थैंक यू सर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लाइंस महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, मी पुनः ये एंड अकेला देवेंद्र क्या करेगा. अब प्राइम मिनिस्टर सर भी कल ही वो बोले कि मैं फिर से आऊंगा यहाँ, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो सब जानते हैं, जैसे कि आज शो इन एग्जाम अब की बार. तो ये जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आपका है, आपका था, जिस विच मेड यू से मी पुनः ये सेम कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर सर का है, बट धोखा करके जब ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट बनाई, आप आ भी गए, आप पुनः आ गए, लेकिन उन्होंने धोखा करके गवर्नमेंट बनाई. उस वक्त सर आपके क्रिटिक्स, उनकी इकोसिस्टम, उन्होंने बहुत मॉक किया. मेरा सवाल ये है, आर यू स्टिल कॉन्फिडेंट एंड वुड यू से मी पुनः ये अगेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मी पुनः ये केवल सिंगल लाइन नहीं थी. मी पुनः ये इनके साथ मैं किस लिए वापस आना चाहता हूँ ये था, किसकी सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ ये था, महाराष्ट्र को कैसे बदलूंगा ये था, ये सारी चीज़ें थी. लेकिन उसमें से मी पुनः ये लाइन लोगों ने ज़्यादा कैच की, और वो इतनी कैच हो गई कि वो जो कविता मैंने पढ़ी थी उसको किसी ने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दिया, और एक प्रकार से वो एक बहुत ही बज लाइन की तरह वो लोगों के बीच चली गई, और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया. और ये बात भी सही है कि केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, जब उद्धव जी ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा, तो उसके बाद एक समय ऐसा भी रहा. क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. तो हम जब चुनकर आए तो लोगों ने कहा, देखो मी पुनः इन कहा था, ये आ गए. सरकार नहीं बनी तो लोगों ने कहा, ये देखो ये बहुत अहंकारी थे, इन्होंने कहा था मैं वापस आऊँगा, ये अहंकार था इनका और इसलिए ये नहीं आए. ये तो राजनीति में चलते रहता है. लेकिन मैंने कहा था मैं पुनः ये, तो उसमें 2.5 साल लग गए, लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर और दो पार्टी लेकर आए, और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि 400 पार करके मैं वापस आऊँगा, तो उसके आगे प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, उस भाव को समझ लेना बहुत ज़रूरी है. और अपने भाषण में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने वो भाव बहुत स्पष्ट किया. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद एक दिन भी उस गद्दी को उन्होंने एंजॉय नहीं किया. एक दिन भी उन्होंने वहाँ बैठकर राजकाज करूँगा, अब आराम से जीऊँगा, इस प्रकार का विचार नहीं किया. उन्होंने केवल अपने आप को छत्रपति इसलिए घोषित किया कि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई है, हम गुलामी से बाहर आए हैं और हमारा अपना वजूद है, और तुरंत वो निकल पड़े साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, गुलामी से बाहर निकालने के लिए, और आम आदमी को, जिसको रैत कहते थे, उसका भला करने के लिए वो बाहर निकले. तो मोदी जी ने कहा, हमारी भी प्रेरणा हुई है, हम तीसरे बार चुनकर आएंगे, हमको पूरा विश्वास है, लेकिन हम तीसरी बार चुनकर आना इसलिए नहीं चाहते कि हमको राज चलाना है, हमको समाज बदलना है, हमको देश बदलना है, हमको 2047 का विकसित भारत तैयार करना है, इसलिए हम तीसरी बार आना चाहते हैं. तो ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ता है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी जनता के नब्ज को जानते हैं. मोदी जी को यह ध्यान में आ रहा है कि पब्लिक अपना मन बना चुकी है, लोग उनको तीसरा मौका देने वाले हैं और अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ देने वाले हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है.